तुम्हारी पसंद मैं अच्छी तरह जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। सैमू, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? दिल को दिल से राह होती है। तुम्हारा जन्मदिन हो और मुझे पता ना चले? मैं गरीब जरूर हूँ, बड़ा प्रेजेंट नहीं दे सकता, लेकिन ये प्यार भरा फूल दे रहा हूँ। ये लो, गुलाब का फूल, जन्मदिन का प्रेजेंट। बस एक ही फूल? और कितने चाहिए? इतने सारे।
अरबों की दौलत, करोड़ों की जायदाद, अनगिनत हीरे जवाहरात, जिन पर बना बैठा हूं मैं नाक, फैलाए अपना फूंका। ये आ गया नेवला कहां से करने मुझे बर्बाद, उससे पहले कि वो मुझ पर वार करे, मसल दूंगा मुंडी, हम दूंगा निकाल। तांडव नृत्य की तरह उस्ताद क्यों हो रहे बेहाल, हुक्म दो मुझको, मैं नचवा दूं उसको बंदर की नाच। जुबे चक जुबे बंदर की औलाद उस्ताद निकल यार। सारे जानने आया था राज की बात, रघुवीर सिंह की बेटी रेशमा की शादी हमारे बेटे संगा के साथ होगी, इससे पहले कि इनकी बचपन की दोस्ती जवानी की मोहब्बत में बदल जाए। कत्लेआम कत्लेआम। मंगा, ये तूने क्या किया? मुरली वाले, मुरली वाले, किसमें कमी है? मुरली वाले, मुरली वाले। रेशमा तू ठीक हो गया बेटे? जागो मुरली वाले, तेरी महिमा अपरंपार है। तूने इस बच्चे को नया जीवन देकर हम सब पर बड़ा उपकार किया है। चाचा रेशमा कहाँ है? रेशमा अपने घर पे होगी बेटा। तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू उठना नहीं, तुम लेटे रहो बेटा। मैं रेशमा के पास जाऊंगा चाचा, मुझे जाने दो। रेशमा इस शहर में नहीं है बेटा, ना जाने किसी दुश्मन ने तुम्हारी मौत की खबर रेशमा को दे दी, और वो नन्ही सी जान तुम्हारी मौत की खबर को सहन नहीं कर सकी और गश खाकर गिर गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर रेशमा इस शहर में रहेगी उसकी जान नहीं बचेगी, उसकी जान को खतरा है। उसके बाद ना जाने बेटा उसका बाप उसे लेकर कहां चला गया। रेशमा 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 रेशमा
मैं कितनी खुश नसीब हूं कि आज आप जैसे देवता रूपी इंसान के दर्शन हुए। चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ाऊं। गर्दन में ये हार पड़ेगा ना तो हार की शोभा और बढ़ जाएगी। ले लो ना ये हार। ये हीरे की अंगूठी
अपनी मखमली में डाल। मैं उड़ूंगा, तुझे लगूंगा चंगा चंगा, और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए ना। तुम लोग मुझे समझते क्या हो? मैं कोई बेजान गुड़िया हूँ जो दुकान में पड़ी हूँ। उसे तुम इस दौलत से खरीद लो। थूकती हूँ मैं तुम्हारे इस दौलत में। थूक, यू बास्टर्ड्स। डाली क्यों रुक गई? अरे झंडा बेटे, मैंने नहीं रोकी, अपने आप रुक गई है। अरे ये डाली तो पीती डाली है। ओ चाचू, ये कौन है? अबे कौन है तू? कौन है ये? तुम्हारा बाप सैमसन। सैमसन? खाली है, पतंग दे दी, अंदर बंद कर दे दी। बापू माले दा, चलो। अरे बेटा सांगा, अपने आदमी। अरे चलो तो मर जाने दो, चलो। अरे भादो भादो यहाँ से। अरे चलो चाचू, क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे वाह, ये तो फ्ली देवी है। बाबू, पहले तो उसने मुझे पीटा, अभी आप ही मुझे पीट ले हो। हाँ पीटूंगा और पीटूंगा। अबे गधे, करण सिंह को जज्बात के दरिया में डुबकियां दिलवा दिलवा के हमने डुबो दिया है। अपनी शराबत और ईमानदारी के झंडे गाड़ दिए हैं और तू उन्हीं झंडों को उखाड़ना चाहता है। अबे गधे, दौलत हाथ ना लगी तो जवानी का जोश ठंडा हो जाएगा बर्फ की तरह, और बर्फ में मुर्दों को रखा जाता है। बापू, आप पहले जो बुझा रहे, मेरी खबरी तो तुझे नहीं आला है। बुजुर्ग ठीक कह गए हैं। अबे अकल बड़ी की भैंस। भैंस, हे राम, मैंने तो सोचा था कि मैंने सांड पैदा किया है, पर तू तू तो भैंसा निकला। बापू, कुछ तो निकला। भैंस फादर लाइक थन। बापू, एक भैंसे थी मोती अदर का दलवाता था, ताइये ना कुछ बदनाइये ना बापू। अबे भैंसे, मैंने तेरे लिए इतनी सुंदर सुशील कोमल गाय ढूंढी है जो दौलत की काम धेनु है, अपने करण सिंह की बहन रेशमा, और तू तू सड़क छाप बकरियों के पीछे लगा फिरता है। अबे गधे, अगर उसे पता चल गया ना तो अपनी गाय जैसी बहन की शादी तू जैसे चरित्रहीन भैंसे के साथ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बापू? अबे क्योंकि तू भैंसा है। मैं समझ गया बापू, आप मेरे गले में फंदा डालना चाहते हैं ताकि आप मुझे जितनी घुमाना चाहे मैं उधर ही घूमूंगा। हे रामदीन, आवत है माली, तेल ला इसके लिए। अब ही लावत है। ठीक है मालिक, हम समझ गए। अरे क्या समझ गए मालिक? हम भी समझ गए कि मुन्ना का खुपड़िया खुश हो गया है। इस आंडे के तेल लगा खूब कस के मालिश करो और मुन्ना के खुपड़िया में तबला हो जाओ। तकले तबला तो मैं बजाऊंगा तेरे थल पे। अबे भैंसो, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो वो हरामजादा हमारा तबला बजा देगा। वेरी गुड, वेरी गुड। करण सिंह को जो चीज पसंद आती है उसे वो खरीद लेता है। आज के बाद ये बस्ती हमारी हो जाएगी। हम इस पर एक आलीशान इमारत बनवाएंगे।
पुश्तें, आज की पुश्तें और आने वाले पुश्तों के मुकद्दर में कभी 100-100 रुपए के नोट का दीदार नहीं किया होगा। आज हमने फैसला किया है कि तुम्हारे मुकद्दर पे जो गुर्बत का ताला लगा हुआ है उसे हम अपनी दौलत की चाबी से खोल देगा। इन मेहरबानियों के पीछे जो मकसद है उसे बयान करो। ये सड़ी हुई झोपड़ियां जिनमें तुम रह रहे हो ना, इन्हें फौरन खाली करना होगा और इस जमीन से तुम्हें अच्छे बच्चों की तरह हमेशा के लिए पांव उठा लेने होंगे। ये सड़ी हुई झोपड़ियां तुम्हारे लिए होंगी मगर हमारे लिए तो ये मंदिर है। इस जमीन को तुम इस दौलत से खरीदना चाहते हो, वो हमारी माँ है, माँ कभी बेची नहीं जाती। इस दौलत के सामने सब कुछ बिक जाता है। लेकिन मदर नहीं बिकता, मदरलैंड का सौदा नहीं होता। सौदा होता होगा तुम अमीर लोगों की नगरी में, मगर हमारा एक छोटा सा नगरी बसा है अलग अलग मजहब के लोगों से। तुम्हारे जैसे मतलबी लोगों ने इन मजहब के फूलों को बिखेर दिया था। हमने अपनी मेहनत से इन फूलों को इकट्ठा करके एकता का गुलदस्ता बनाया है और इस गुलदस्ते से एकता की महक और मोहब्बत का पैगाम धरती के कोने कोने में सुनाई देगा। और उस एकता की आवाज के पैगाम का गला घोट देना चाहते हो तुम लोग? उसके साथ तुम सब लोगों का गला घोट दूंगा। अगर सूर्य अस्त होने से पहले पहले तुम लोगों ने ये बस्ती खाली नहीं की, चले जाओ यहाँ से। अगर हम गरीब लोगों का खोपड़ी फिर गया ना तो तुम्हें इस धरती पर जिंदा दफना देंगे। गुस्सा थूक दो दोस्त, हम तो जा रहे। क्यों वो बंगा और डंगा, अब आएगा बंगा। मंगा बना दूंगा सबको भिख मंगा, मुझसे न लेना पंगा। तुम हमारे खातिर अपनी जिंदगी जोखिम में डाल दिया,
खतरों से टकरा दे। अरे अपन दुनिया के सारे खतरों को खलास कर देगा। और जहां तक तेरी जान का सवाल है, अगर उसे कुछ हो गया तो अपन का जिंदगी किस काम का? God promise, तुम हमसे इतना प्यार करता है। अपन अपनी मां के बाद सिर्फ तुम ही से प्यार करता है। तुम्हारा जिंदगी अपन का जिंदगी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अपन जी नहीं सकेगा और हम भी नहीं जी सकेगा। ले ले तू प्यार, दे दे तू प्यार, प्यार नाल दिल दा नाता जोड़ मेरे यार। ले ले तू प्यार, दे दे तू प्यार, प्यार नाल दिल दा नाता जोड़ मेरे यार। प्यार के गीत गा, प्यार में डूब जा, सिंध सॉन्ग ऑफ लव, गॉड इज द नेम ऑफ लव। प्यार से चलता है ये संसार हो। ले ले तू प्यार, दे दे तू प्यार, प्यार नाल दिल का नाता जोड़ मेरिया। जब तक सूरज चमकेगा, फूलों से गुलशन महकेगा, चिड़ियों से सवेरा चहकेगा, प्यार का चल फहरेगा। तेरी मेरी प्रेम कहानी बन जाएगी अमर निशानी, सुनकर जिसको जग की जुबानी दोहरा। जन्नत की ऐशो इशरत, महलों की शानो शौकत, देगी क्या इसकी कीमत। रोमियो जूलियत का प्यार, लैला मजनू का इकरार, सोहनी ने भी पाया था मरी
हड्डीगत चूरमा बनाएंगे। आए, जवानी से लेकर बुढ़ापा तक। अबे बुढ़ा होगा तेरा बाप। आप ही तो बाप है मेरे सरकार। अच्छा अच्छा आगे बोल मेरे बाप। सरकार कितने अखाड़न में आपने बड़े बड़े पहलवानन को पछाड़ दिया। कौन सा रुस्तम है इनका औलाद पैदा हुई गवा जो हमें सरकार का तबला कर गएगा। अब तबले की औलाद जा जाके गर्म पानी की बोतल ला। उत्ता नाम थैमथन है उसने पहले मुझे पीता और अभी अब बहुत लगी है। बहुत लगी है बापू। लगता उत्ता ढोल थटाना ही पड़ेगा उसे मोटा भंडला लटाना ही पड़ेगा। हाँ करण बेटा चाचा अगर इस मारपीट के बजाय आप लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया होता तो आपका यह हशर ना होता। उस झोपड़पट्टी के कीड़े ने हमें और हमारी गैरत को ललकारा है। उसे यह नहीं मालूम कि भौचाल के सामने आंधी ठंडी पड़ जाती है। सर झुकाकर जीना करण सिंह ने नहीं सीखा। वो रास्ता इख्तियार करेंगे हम कि उसका सर धड़ से अलग होकर हमारे कदमों में आ गिरेगा। मैं समझ गया बेटा। हाय 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 उसे मुआवजा देना पड़ेगा इसका। कल सुबह सूरज निकलने से पहले उसका दूसरी दुनिया का टिकट कट चुका होगा। हाय 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 और मौत का शंख बजाएगा शंगारा। अब बजाता हूँ इसका नगाड़ा। क्यों भाई लगता है तुम्हारा कोई नजदीकी रिश्तेदार मर गया है। मरा नहीं मरेगा। क्या मतलब कौन मरेगा? तू। मैं? क्यों भाई तुम्हारा अपन के साथ क्या दुश्मनी? तुम्हारी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है सैमसन। दुश्मनी तो सारी दौलत की है। और जो संगाड़ा को दौलत देता है संगाड़ा को उसका तो नगाड़ा बजाना ही पड़ता है। ओह आई सी तो तुम प्रोफेशनल किलर है हा? हाँ मेरे भाई खूब पहचाना और उसी दौलत में से खर्च करके तुम्हारे साइज का कॉफिन लाया हूँ। पूरे 6 फीट और 2 इंच। ठीक है ना? पढ़ो इस कॉफिन पर क्या लिखा है। एक बात पूछूं तुमने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा? हाँ भैया वो तो तेरे माँ बाप को ही पता होगा। पर हमने तो तेरी मौत की तारीख ही इस पे लिखी है। ताद देता है तुम्हारा हिम्मत का। What confidence you have? देखो ब्रदर तुम्हारा मेरा क्या दुश्मन फिर काय का लफड़ा? तुझे कहा था ना कि इस कॉफिन पे तेरी मौत की तारीख लिखी है और वो भी आज और इसी वक्त।
ब्रदर एक बात बताओ, ये कफन तुम अपन के लिए लाया था ना, फिर तुम इसमें कैसा फिट आया? अरे गलती से मेरे साइज का आ गया। कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू माय सन। थैंक यू सैमसन। बापू, बापू इधर तेरे लिए आया है। अरे अरे तकले के लिए आया। अरे 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 भागो ले भागो। अरे बापू अरे बापू अरे अरे भागो अरे भागो अरे भागो अरे भागो अरे भागो अरे भागो अरे भागो। राधु जी सरकार, अरे देखो इस कफिन में क्या है। सरकार ये बात तो कौनो भूत है, हमने देखा। उल्लू के पट्टे, उसका ढक्कन को देख क्या है उसमें। सरकार हम अपनी बीवी का इकलौता मर्द है और हमारी बीवी के साथ साथ लड़कियां हैं। अगर हम मर गए तो हमारी बीवी रंडवा हो जाएगी। अबे उल्लू के पट्टे, रंडवा नहीं विधवा हो जाएगी। हाँ वही सरकार, विधवा हो जाएगी। अबे ढक्कन पे जा, उसका ढक्कन खोल दे क्या है उसमें। जा जा शाबाश 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 शाबाश। तेरा तो बजा दिया उसने नगाड़ा। चाचा खुश नसीबों को नसीब से गुलशन जैसे बेटे नसीब होते। उस फौजी जवान के बहादुर बाप के आंखों में आंसू यहां से खुशी के हैं बेटे। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की तरह अपने देश पर कुर्बान होने वाले अपने औलाद पर फख्र है बेटे। यहां से इसलिए बाहर आया हूं कि ऊपर वाले ने गुलशन जैसे और सैकड़ों बेटे मुझे क्यों नहीं दिए जिन्हें मैं अपने देश के गुलिस्तान पर कुर्बान कर सकता। या खुदाया हमारा दोस्त को जन्नत नसीब फरमा। आमीन।
नमस्ते चाचा। अरे रेशमा बेटी आओ आओ, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या हुआ है? इन्हें बुखार है। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, इन बच्चों ने मुझे खाम खा लिटा रखा है। मुझे कोई बुखार उखार नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा रोजी, सलमा और मारिया कहाँ हैं? वो बाहर गई हैं। आओ रेशमा बैठो। Thank you.
कब आई? आए हुए तो मुद्दत हो गई, लेकिन आपकी इस मधुर धुन में मैं खो गई थी। ऐसा लगा जैसे सदियों से मैं ये धुन सुनती आ रही हूं। कितनी मिठास है इस धुन में, जैसे सच्चे प्रेमियों की प्रेम कहानी गूंज रही हो। इन पवित्र हवाओं में जो हमारी सांसों से जाकर मिल जाती है, और मोहब्बत का हर चमन खिल उठता है। आपका हर वर्ड जो आपने अपने खूबसूरत होठों से बयान किया, वाकई अपने लाइफ का सच्चाई है। यह धुन मेरा जिंदगी है, मेरा बचपन का हसीन इतिहास है, जिसके हर पन्ने पर मेरे बचपन की खोई हुई यादें मेरे ही आंसुओं से लिखी गई हैं। यह जीवन बचपन की यादों के जंजीरों से जकड़ा हुआ है, मुझे पूरा यकीन है ख्वाबों का तस्वीर जरूर हकीकत में बदलेगा। मेरा खोया हुआ प्यार, मेरा साथी एक दिन सब फासलों को तय करके अपन के सीने से लग जाएगा। मैं भी अपने सच्चे दिल से प्रार्थना करूंगी कि आपको आपका खोया हुआ प्यार मिल जाए। दुनिया का माँ है, मेरा भी माँ है। अपन दूसरा मजहब का है, लेकिन तू तो सबका माँ है। अपन अपना दिल का बात अपनी माँ से नहीं तो किससे कहेगा? बचपन से लेकर जवानी तक साए की तरह जिसका साथ दिया, वही लगाव मोहब्बत में बदल गई माँ। लड़की हूं ना, दिल की बात अपने महबूब से नहीं कह पाई। हर घड़ी हर वक्त मेरे दिल के आईने में उसकी तस्वीर नजर आती है। माँ, मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ महबूब के बाहों का सहारा चाहिए, जो हर लड़की की आरजू और तमन्ना होती है। अपन का भी वही ड्रीम है माँ। मेरे दिल की धड़कने उसकी सांसों के साथ चल रही है। मैं उससे, मैं सैमसन से बहुत बहुत प्यार करती हूँ माँ, लेकिन मैं खुदगर्ज नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सैमसन बचपन से किसी और से प्यार करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ माँ, मैं उसे मायूस नहीं देख सकती, उसके बचपन का प्यार उसे लौटा दो माँ। उसकी जिंदगी हमेशा चमन के फूलों की तरह खिलती रहे, चाहे मेरी जिंदगी का चमन मुरझा जाए। अपन ने सब कुछ सुन लिया है, तुम इंसान का रूप में देवी है, तुम वाकई प्रेम का मूर्त है। तुम्हारा दिल तोड़कर तुम्हारे मोहब्बत को रुसवा नहीं होने देगा। मुझे बचपन के ड्रीम के सहारे जीने का कोई हक नहीं। जो वरमाला मैं बचपन के ख्वाबों के मुहूर्त के गले में डालना चाहता था, वही वरमाला अब मैं इस देवी के गले में डालेगा। अच्छा जी, हाँ जी, यार मुझे
रजनी हाँ जी। यार मुझे मिल गया दिल मेरा खिल गया ओ यार मुझे मिल गया दिल मेरा खिल गया जैसे मुझे मेरा मिल गया दिल मेरा खिल गया यार मुझे मिल गया अरे दिल मेरा खिल गया यार मुझे मिल गया हाँ दिल मेरा खिल गया यार मुझे मिल गया हाय दिल मेरा खिल गया और यहाँ ये लड़का कौन है कौन हो सकता है मैं बताती हूँ ये मेरे भैया सैमसन की तस्वीर है उनके बचपन की तस्वीर और ये लड़की देख रही हो ना ये उनके बचपन की दोस्त है 15 साल गुजर गए लेकिन आज भी उसकी यादों के सहारे जिंदा है बहुत प्यार करते थे उसे और अब भी करते हैं ये तो मेरे बचपन की तस्वीर है सच हाँ फिर तो मेरे भैया बहुत खुश होंगे उनके दिल का उजड़ा हुआ चमन फिर से खिल उठेगा मत रो रेशमा तेरे आंखों से बहते हुए आंसू मेरे भैया के दिल को रुला डालेंगे वो बहुत रोए हैं जिंदगी में मैं अब उन्हें रोता हुआ नहीं देख सकती माला मैं तुम्हारे भैया के आंसुओं को अमृत समझकर पी जाऊंगी चमन बाग बाग हो गया वो कैसे वो ऐसे मेरे दिल के चमन का माली मिल गया मगर ये तो बता तुझे कौन सी खुशी का खजाना मिल गया अगर बताऊंगी तो मेरी सहेली तू खुशी से झूम उठेगी और मुझे चूम लेगी अब छोड़ सब मजाक और ये बता कौन सी खुशी का खजाना तुझे मिल गया मैं बाद में बताऊंगी कि मुझे भी मेरे दिल के चमन का रखवाला मिल गया है सच तुझे मेरी कसम पहले तो बता कसम दी है तो बताना ही पड़ेगा बोलना जल्दी बोलना बोलते क्यों नहीं मेरे बचपन का साथी मेरा हमसफर मेरा मसीहा मुझे मिल गया सच रेशमा हाँ जूलियट आज मैं बहुत खुश हूँ मगर ये तो बता कौन है वो खुशनसीब सैमसन Thank you.
सैमसन। जूलियट तुम? सैमसन आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बचपन की सहेली रेशमा को उसके बचपन का खोया हुआ प्यार मिल गया। एक और खुशखबरी ये है कि मैं तुम्हें गुलदस्ता देने आई हूँ। क्या कह रही हो जूलियट? तुम्हारे बचपन के खोए हुए प्यार को वक्त की आंधी ने बिखेर दिया था, मगर कुदरत के करिश्मे ने उन बिखरे हुए फूलों को एक बार फिर से समेट कर प्यार का गुलदस्ता बना दिया। तुम्हारे बचपन का खोया हुआ प्यार कोई और नहीं बल्कि रेशमा है, रेशमा। जूलियट अब और देर मत करो सैमसन, जाओ अपने प्यार को अपने सीने से लगा लो, तुम्हें तुम्हारा प्यार मुबारक हो सैमसन। कि तुम कुर्बानी की देवी हो। मैं तेरे लिए
your Samson, you are my Delilah. जब तक है चांद गगन में चमकेंगे तारे प्रेम के ग्रंथ में होंगे नाम हमारे सबकी जुबां पे होगा किस्सा तेरे मेरे प्यार का हर दिन मेरा होगा तेरे लिए हर दिन मेरा होगा तेरे लिए बेटा तुम्हारे स्वर्गवासी पिता मेरे सिर्फ मित्र ही नहीं थे बल्कि भाई भी थे हम दो जिस्म जरूर थे पर आत्मा एक थी अरे मैं तो उसी दिन मर गया था जब मेरा दोस्त मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की मुझे मेरे दोस्त के पास बुला ले लेकिन उसे रहम नहीं आया अपने दोस्त की जुदाई की चिंगारियां आहिस्ता आहिस्ता मेरे सीने को सुलगाती रही मगर मुझे मौत नहीं आई काश ऐसा हो सकता फिर मैंने तसल्ली कर ली कि जीऊंगा तो तुम्हारे लिए रेशमा के लिए और अपने मरहूम दोस्त की तमन्ना को पूरा करने के लिए उसके लगाए हुए फूलों की माली बनकर रक्षा करने के लिए वो तो आपने खूब निभाया है चाचा चाचा होते हुए भी आपने रेशमा मुझे मां बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी इससे पहले कि मेरे दोस्त रघुवीर सिंह के खानदान की इज्जत के चिराग की लौ बुझाए मैं उस हरामजादे की जिंदगी के चिराग को बुझा दूंगा और अगर उसमें कामयाब नहीं हुआ तो खुद को मिटा दूंगा वो कौन सा ऐसा तूफान है चाचा जो हमारे खानदान के चिराग को बुझाने के लिए आगे बढ़ रहा है उस तूफान को हमारे ही घर की चलती हुई शमा ने सहारा दिया है अफसोस हमारी बेटी रेशमा ने अपने प्यार की कोमल कलियां उस लावारिस गुंडे सैमसन के कांटों भरे दामन से उलझा दी हैं जिससे खानदान की इज्जत के जख्मों से निकला हुआ खून बदनामी के ऐसे धब्बे छोड़ जाएगा कि मेरे दोस्त रघुवीर सिंह और प्यारी भाभी की आत्माएं तड़प उठेंगी उन्हें स्वर्ग में भी चैन नहीं मिलेगा और अगर मैं उन्हें दिया हुआ वचन कि रेशमा की शादी मैं अपने बेटे के साथ करूंगा अगर उसे पूरा नहीं कर सका तो अपने आप को खत्म कर दूंगा नहीं नहीं मंगा चाचा आपके दिए हुए सारे वचन पूरे होंगे ये सब तुम्हारी वजह से है मेरी वजह से हाँ तुम्हारी वजह से शमशेर सिंह की पोती रघुवीर सिंह की बेटी और करण सिंह की बहन इस खानदान का बहुमूल्य रतन जिसकी जगमग ज्योति से इस खानदान का नाम रोशन होता था आज उसकी लौ टिमटिमाती नजर आ रही अंधेरों का खौफ पैदा कर रही नहीं
नहीं। हमारे खानदान की इज्जत की इमारत को तुमने अपने बचपने की गलतियों के जलजले से हिला दिया। उसकी हर ईंट अपनी जगह से हिल गई। लेकिन अब अपने खानदान की इज्जत को कायम रखने के लिए बड़ी से बड़ी आहुति दे सकते हैं, चाहे उसे हमें हमारे खून से क्यों ना सींचना पड़े। भैया बताइए तो सही, मेरी गलती क्या है? तुमने एक भिखारी की झोली में भीख डालने के बजाय उसकी झोली से अपना पल्लू बांध दिया। अपनी मोहब्बत, अपनी आरज़ू, इस भाई के अरमानों का तुमने खुद अपने हाथों से गला घोट दिया। जो लोग हमारे सामने सर उठाकर नहीं चलते थे, आज हम उनके सामने सर झुकाकर चलते हैं, इसलिए कि हर गली हर कूचे से तुम्हारी और उस कमीने सैमसन की मोहब्बत की दास्तानें गूंज रही हैं। तुम्हारी इस बदनामी के तूफानों की हवाओं ने हमारे कानों के पर्दे फाड़ दिए। रेशमा बस कीजिए भैया, बस कीजिए। हमारी मोहब्बत गंगा जल की तरह पवित्र है। वो गंगा जल नहीं है, बारिश से इकट्ठा हुआ गंदे नाले का पानी है जो कभी पवित्र नहीं हो सकता। नहीं भैया नहीं। सुनो रेशमा, तुम बहुत बड़े फरेब का शिकार हो रही हो। वो धोखेबाज है, दगाबाज है। हमारे खानदान से अपना नाम जोड़कर भिखारी से बादशाह बनना चाहता है। तुमसे नहीं, हमारी दौलत से प्यार है उसे, और उस दौलत को हासिल करने के लिए अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है तुम्हें। नहीं भैया, ये झूठ है, ये गलत है। सैमसन को मुझसे सच्चा प्यार है, मेरी दौलत से नहीं। मुझ पर विश्वास कीजिए भैया। नहीं नहीं, तू बहुत भोली है बहना, बहुत भोली है। वो तेरे भोलेपन का फायदा उठा रहा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। हम तुम्हें यकीन दिला देंगे कि उसने तुम्हारी मोहब्बत को तराजू में तोलकर उसकी कीमत लगा दी, तुम्हारे दिल को दौलत की ठोकर से ठुकरा दिया। उसने तुम्हारी मोहब्बत को तराजू में तोलकर उसकी कीमत लगा दी, तुम्हारे दिल को दौलत की ठोकर से ठुकरा दिया। में रहने वालों ने आज झोंपड़ियों की तरफ मुंह कैसे मोड़ लिया? जरूर कोई मतलब होगा। हाँ तुमने सही कहा, हम मतलब के बगैर कहीं नहीं जाते। तुमने हमारी बहन रेशमा के दिल पे जो कब्जा किया है, यह उसका मुआवजा है। दिल पे कब्जा नहीं किया जाता, उसे प्यार से जीता जाता है। यह दौलत बहुत बड़ी चीज है सैमसन, तुम्हारी जीत को हार में बदल देगी, तुम्हारी यह दगाबाजी को खरीद लेगी। मेरी मासूम बहन की आंखों पे पड़ी तुम्हारी फरेबी मोहब्बत की पट्टी हमेशा हमेशा के लिए खोल देगी। तुम जैसे झोपड़ों में रहने वालों का दीन धर्म ईमान सभी कुछ दौलत है। यह दौलत मेरी मोहब्बत की कीमत लगाई तुमने। अपनी बहन के अरमानों और जज्बात की कीमत लगाई तुमने। मेरी मोहब्बत किसी दुकान पर पड़ी बेजान चीज नहीं, जिसे तुम इस दौलत से खरीद लो। और सुनो, जो कोई भी मेरी मोहब्बत के सामने दौलत की दीवार खड़ी करेगा, अपने उस दीवार को तोड़ डालेगा। सैमसन, माना कि एक बार मैदान जंग में तुमने हमारे आदमियों को शिकस्त दी थी, लेकिन आज के बाद यह जंग हम खुद लड़ेंगे, जिसमें यकीनन तुम्हारी शिकस्त होगी और हमारी जीत, और उसके बाद तुम्हारी मौत। जिंदगी और मौत ऑलमाइटी गॉड के हाथ में है। वैसे अपन का नाम सैमसन है, जो अपन से अपनी मोहब्बत छीनने की कोशिश करेगा उसको अपन खलास कर देगा। ये मीरजादा यही जानता है कि दौलत से हर चीज को खरीदा जा सकता है, लेकिन ये नहीं जानता
कि दिल को हासिल करने के लिए धड़कता दिल चाहिए जो इन अमीरों का सीने में नहीं होता। मुझे तुम पर फख्र है बेटा कि तुम मोहब्बत के सच्चे कदरदान हो। चाचा, यह सच्चाई का सबक मैंने आपसे सीखा है। हमारी दौलत को ठुकरा दिया ना। मैं कहती थी ना वो ऐसा नहीं है, वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। उसे मेरी दौलत से नहीं, मुझसे प्यार है। अब तो आपको यकीन आ गया कि हमारी मोहब्बत सच्ची है? हाँ, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, लेकिन उसकी नहीं। वो अपने आप को बहुत बड़ा शिकारी समझता है, एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। क्या? हाँ, एक तरफ वो थोड़ी सी दौलत को ठुकरा के बेशुमार दौलत पे कब्जा करना चाहता है और दूसरी तरफ तुमसे शादी करके तुम्हें हासिल करना चाहता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि हम उससे भी बड़े शिकारी नहीं, खिलाड़ी भी हैं। जिस खेल को खेलने जाते हैं उस पे फतेह पाते हैं और सामने वाले के गले में हार की जंजीर डालते हैं। मुझे आपकी काबिलियत पर फक्र है भैया, मगर मैं सैमसन के बिना जी नहीं सकती। मेरी आत्मा को मुझसे मत छीनिए भैया, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। बस करो, मेरे तुम्हारे दुश्मन जिन्होंने तुम्हारी आंखों में आंसू दिए हैं, जिन आंसुओं को देखकर तुम्हारे भाई का कलेजा फटा जाता है, हमारे लिए तुम्हारे इन आंसुओं की हर बूंद स्वाति की उस बूंद की तरह है जो सिप्पी के मुंह में जाके मोती बनता है, जो अमूल्य है, जिसका कोई मूल नहीं चुका सकता। लेकिन उसे चुकाना होगा, सैमसन को चुकाना होगा। हम वो तीरंदाज हैं जिसकी तरकस से निकला हुआ तीर का वार कभी खाली नहीं जाता। सैमसन, तुम्हारा आखिरी हंसू? खामोशी, ये आंसू, तुम्हारा चेहरे का फीकापन मेरे दिल के धड़कनों में हलचल मचा रहा है। जल्दी बताओ, तुम उदास क्यों हो? उदासी के घने घने काले बादल छाए हुए हैं मेरी जिंदगी पर। भैया ने तुम्हारी और मेरी पाक मोहब्बत को दौलत के अंगारों से और ऊंच नीच की भड़कती हुई आग से जला दिया है। इससे पहले कि तुम्हारी और मेरी मोहब्बत अंधेरी खाइयों में खो जाए, तुम अपनी मोहब्बत के चिराग से इसे रोशन कर दो, मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने आगोश में ले लो, ताकि फिर कभी मैं मुड़कर भी गुमनाम रास्तों पर भटक ना जाऊं। जब तक सैमसन के सांसों में सांस रहेगी, तुम्हारी जिंदगी हमेशा रोशन रहेगी, गुलिस्तान के हर फूलों की तरह खिलती और महकती रहेगी। मगर समाज की बनाई हुई जो मान मर्यादा की लकीर तुम फान कर आई हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया रेशमा। ये तुम क्या कह रहे हो सैमो? रेशमा, तुम वापस लौट जाओ। अगर तुम्हें अपने मोहब्बत पर यकीन है तो हम कभी जुदा नहीं होंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा भैया को हमारा सच्चा मोहब्बत के सामने झुकना ही होगा, दौलत की जगह मोहब्बत का फूल हमारे झोली में डालना ही होगा। मैं अपने भैया को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो हमारा मिलन कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे।
अगर ऐसा हुआ तो सैमसन के बाजुओं में इतना ताकत है, वो समाज का हर दीवार गिराकर मोहब्बत का वरमाला तुम्हारे गले में डालेगा। तुम्हें समझाया था कि हमारी बहन से मिलना जुलना नहीं, लेकिन शायद तुम जबान की भाषा नहीं समझते।
आज हम तुम्हें हाथों की भाषा समझाते हैं। आप मुझसे बड़ा है, जो भी सजा देगा मुझे मंजूर है। सजा नहीं, तुम्हारे इस गुनाह के लिए सजाए मौत देंगे तुम्हें। मौका देते हैं हमारे साथ मुकाबला करने का। मैं आपसे मुकाबला नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपके बहन से प्यार करता हूं। हाँ भैया, हम दोनों आपके पैरों के जूतों के वो जोड़े हैं जिन्हें आप कभी जुदा नहीं कर सकते। जो पैर हमारी खानदान की इज्जत को रौंदेंगे, हम उन पैरों को काट डालेंगे, चाहे वो हमारी बहन के क्यों ना हो। रेशमा हमारी इकलौती बहन है, हमारे स्वर्गवासी माँ बाप की इकलौती निशानी। उसका हाथ हम किसी राजकुमार के हाथ में देंगे, तुम जैसे भिखमंगे के हाथ में नहीं, कभी नहीं। खानदानी वकार और सोने चांदी की चमचमाती चट्टानों के नीचे मैं अपनी पाक मोहब्बत को दफन नहीं कर सकती। दगाबाज, तूने हमारे भाई बहन के प्यार को नफरत का ज्वालामुखी बना दिया। भैया, लगता है तेरे खून में तेरी मां के दूध का कोई भी खतरा नहीं। मां को गाली मत देना करण सिंह, मां के दूध की ताकत देखना चाहता है। देखा मां का दूध का ताकत। मेरी मोहब्बत है और आप मेरे माँ बाप, मैं आप दोनों को खोना नहीं चाहती। मैं अपनी थर की कसम खा के कहती हूँ भैया, मैं आज के बाद सामसे तो कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगी। इससे पहले कि मैं तुम्हारा ये सर तुम्हारे इस धड़ से अलग कर दूं, हवेली की चौखट से बाहर निकल जाओ। Get out! मेरे भैया, जब तक हवाओं में रवानी रहे, सूरज चांद सितारे रोशनी देते रहे, उसी तरह मेरे भैया का जीवन भी रोशन होता रहे। मनवाली लाकी बहन से कल्ली काना पुली बिछावे का ढोंग लचा लिया, हीलों का हाल भी दे दिया बहन को। उसे क्या चाहिए मैं तुझे बता देना चाहता हूँ। भाई का फर्ज क्या है तुझे याद दिला देना चाहता हूँ। लाखी का मतलब समझा देना चाहता हूँ। भाई का फर्ज है बहन की खुशियाँ पूरी करना। मत कर रेशमा को अपनी मोहब्बत से जुदा, मत ले दो प्रेमियों की बद्दुआ। रेशमा को मिला दे उसके सैमसन से। मिट्टू, तेरे दिल में मेरे लिए हमदर्दी और आंखों में आंसू। तेरी आंखों में आंसू देखकर मेरी भी आंखें भर आई। तू घबरा नहीं, माता शैला वाली पे विश्वास रख, वो तेरे प्यार की ज्योत एक दिन जलवल जलाएगी। सच मिठू? अरे लाज हो गया, लाज हो गया बापू।
आए मेरा बेटा अनाथ हो गया, मेरा बेटा उठ उठ, अरे उठ, अनाथ कैसे हो गया? अरे मैं जिंदा हूँ। अरे अभी तो आप जिंदा है लेकिन अभी आप मिल जाओगे। बापू मैंने आपके शमशान में लकड़ियों का और किला गर्म का और चौथे का इंतजाम कर दिया बापू। अबे उल्लू कपटे बात क्या है, बात तो बता। अरे बापू बचपन में से थोतले तो आपने वाला था, वो थैमता नहीं और वो जिंदा है, अभी वो आप तो जिंदा नहीं तोलेगा और आप मल डाल दे। मैं अनाथ हो गया बापू। ओए नहीं अनाथ होगा, मैं कहता चुप कर। तू अनाथ नहीं होगा, मैं उस हराम जादे के होने वाले बच्चों को अनाथ कर दूंगा। क्या चाहते हो तुम लोग? बड़ा प्यारा बच्चा है। हाँ मेरा भाई है। अगर इसे तुमसे अलग कर दिया जाए और फिर इसे मौत के घाट उतार दिया जाए तो फिर बोलो तुम क्या करोगी? नहीं 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 अगर तुम इसकी जिंदगी चाहती हो तो तुम वही करोगी जो हम कहेंगे। छोड़ो इसे, छोड़ो मेरे भाई को, छोड़ो मेरे भाई को। इस पिस्तौल में 6 गोलियां हैं, धार 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 होगा और इसका भेजा बाहर। आगे तुम लोग क्या चाहते हो? आज राखी का दिन है और तुम अपने उस मुंह बोले भाई सैमसन को राखी तो बांधोगी ही लेकिन उसकी मिठाई में नींद की गोलियां खिलाओगी। नहीं, मुझे सहारा को जिसने सहारा दिया है मैं उसके साथ धोखा कैसे कर सकती हूँ? उड़ा दो इसका भेजा। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे नन्हे भाई का जान नहीं ले सकते। जा जा के हमारा काम करने के लिए मुझे ये भारी बात माननी पड़ेगी। अरे आओ मेरे बहना, अपन कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम आएगा, अपन को राखी बांधेगा, अपने भैया से आशीर्वाद लेगा, फिर अपने प्यारे प्यारे हाथों से मुझे मिठाई खिलाएगा और वो मिठाई मेरे अंदर जाके अमृत बन जाएगा। है कमर भी तुमको लग जाए। भूत नहीं मैं तेरा बाप हूं। अरे बापू हाँ आप तो जिंदा हो। हाँ मेरे मुन्ना, मेरे गैंडे, मेरे सांड, मैं जिंदा हूँ। उस हरामजादे के क्रियाक्रम का इंतजाम कर आया हूँ। बापू हाँ इतना मतलब है? हाँ। बापू नुटा ढोल ठलटा देंगे, बिल्कुल ठलटा देंगे, खड़का देंगे। हाँ। हाँ।
चुकी है।
दवा पीना तुम्हारे फायदे के लिए है। करण सिंह, इसे चली लोग नहीं प्रेम लोग है, और उसकी दवा प्रेम की खुराक, और वो खुराक इसका प्रेमी श्यामचंद की दे सकता है। बहुत बोलते हो भैया, मिठू को मत डांटो। कुछ तो शर्म कर, बिन माँ बाप की बेटी के साथ ऐसा सुलूक, और वो भी छकी बहन के साथ, डूब मर चुल्लू बल पानी में। बहना हो तो ऐसी हो, भाई के लिए इतनी तड़प, मगर याद लगता रेशमा, पहाड़ों वाली माँ तेरी गमों के पहाड़ को एक दिन जरूर हिला देगी। नहीं, काश ऐसा ना होता। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? ओ गॉड, तुमको भी दया नहीं आया? काश मेरी जान चली जाती, मैं तो मुरझाया हुआ फूल हूं, और वो खिले हुए फूल थे जिनकी खुशबू से सारी बस्ती बाग बाग हो जाया करती थी, लेकिन बेरहम वक्त के अंगारों ने उन्हें जलाकर राख कर दिया। उन बेरहम अंगारों को मैं अपने हिम्मत के शोलों से तबाह कर दूंगा। बेटा हौसला रखो, तुम खुद घायल हो, तुम्हारे दिमाग पर गहरी चोट लगी है। चाचा, सर के जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन उन कमीनों ने जो जख्म मेरे सीने में दिए हैं, मैं उन्हें उन कमीनों के खून से मरहम बनाकर भर दूंगा। छोड़ दो चाचा मुझे, छोड़ दो, मैं उन कमीनों को नहीं छोड़ूंगा। आन बान और जूटी शान के पुतले के सामने अपना सर झुका दिया, अपने प्यार की बलि चला दी। सच कह रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहा हूँ, और सच्चाई ये है कि तुमने बहन का रिश्ता निभाया, कसम खाली, और सच्चाई से मुख मोड़ लिया, और अपनी सच्ची मोहब्बत को झूठा कलाल दे दिया। और अब जो सच मैं बोलने वाला हूँ वो ये है कि आज शाम को तुम्हारी शादी उस कबूतर बुतलगू चांगा के साथ तुम्हारा भाई करण सिंह करा रहा है, मगर मैं तुम्हारी मोहब्बत के नैया को बीच डाल में नहीं डूबने दूंगा, उसे पाल कला के छोड़ूंगा। मैं जा रहा हूँ शेर कुतर श्यामचंद के पास, मुझे विश्वास है वो हवाओं के लुक बदल देगा, और पहाड़ों को चीलता हुआ आएगा, और अपनी मोहब्बत को राक्षसों के हाथों से रिहा करके जाएगा। भरोसा रखना रेशमा, इंतजार करना। बोल शेला वाली माँ की जय हो। उसने मुझे गोली का निशाना बनाया, मगर माता शेला वाली ने मुझे हिम्मत की, मुझे बचाया, और मैं यहाँ तक पहुँच गया। मैं तुझे बताने आया हूँ कैप्टन, करण सिंह रेशमा की शादी उस लंगूर सांगा के साथ कर रहा है, और वो भी जबरदस्ती। इससे पहले कि रेशमा जहर खा ले, कैप्टन उसे बचा लो, अपनी मोहब्बत को बचा लो। रेशमा तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। मेरा साथ टूट रहा है, कहीं तूने माफ करना। अगर वो मौत के मुंह से बच गया तो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जमीन के हर कदम पर बारूद बिछा दिया जाएगा, आसमान से भी बारूद बरसेगा, और उस जमीन और आसमान के बारूद के बीच में उस सैमसन के चीथड़े उड़ जाएंगे जो कि जंगली जानवरों का निवाला बनेंगे। तुम तो भी बाप निकले। चुप है और सुन, तुम्हारे और रेशमा की शादी के साथ में फेरे होते ही हमारी दोनली बंदूक की गोलियां करण सिंह के सीने को छलनी कर देंगी, और वो हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगा। क्यों बापू? अबे भैंसे, वो इसलिए कि उसकी सारी जायदाद रेशमा यानी कि उसकी इकलौती बहन को मिल जाएगी, और तब तक वो तुम्हारी बीवी और मेरी बहू बन चुकी होगी, और उसकी सारी जायदाद के मालिक हम बन जाएंगे। क्या बापू,
मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अबे तू तो भैंसे का भैंसा ही रहेगा। डेड फादर लाइक हन। शट अप। मेरे दोस्त आज तेरा दोस्त बड़ी मुसीबत में फंसा है। आज तेरी दोस्ती का इम्तिहान है। जिस तरह चेतक ने राणा प्रताप की मदद की थी और उसे फतेह हासिल करवाई थी, आज तुझे मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाना होगा। सब क्या बेटा करण? ये कागज के वो बेजान टुकड़े हैं जिसके लिए आप मेरी जान लेना चाहते हैं। लगता है तुम किसी गलतफहमी के शिकार हो गए हो, इसलिए इस तरह क्रोध के अंगारे बरसा रहे हो। गलतफहमी का शिकार मैं था। मुझे बेटा कहकर बाप बेटे के पवित्र रिश्ते को गंदा मत कीजिए। जो विश्वास की माला आपने पिरोई थी वो टूट चुकी है चाचा जी, उसके मोती बिखर चुके हैं। और अब अपनी बहन की शादी मैं आपके बेटे से नहीं करूंगा, उसी से करूंगा जिसे वो चाहती है। अपना भाई होने का फर्ज अदा करूंगा मैं। आपको दौलत चाहिए थी ना, उठाइए ये दौलत, उठाइए और दफा हो जाइए मिलने के सामने से। जाइए, खत्म कर दो इसको। शादी होने वाली है ना, अरे अरे बापू भागो, ये तो असली थैम्पटन है। मेरे बापू तो मालता है। हाँ बापू, क्या मालते हो, क्या हाथ है क्या? तेली मेरी तो छानी होने वाली है, मैं तेले तो नहीं मालूंगा। अबे ओ धंधे बच्चे, खोल दे मेरे बापू तो, नहीं तो मैं तो मार दूंगा।
शाबाश मेरे सांड, शाबाश। तो पहली बार जिंदगी में अच्छा काम किया। चल बापू, अभी करवाता हूँ मैं तुम्हारी शादी, अभी कटवाता हूँ मैं तुम दोनों की जहन्नुम की टिकट। बापू मैं लेता होगा। चढ़ा, तुम में से पहले कौन मरेगा? अच्छा तो पहले आशिक मरेगा। मैं तो जिंदा हूँ चाचा, लेकिन जो हरकत तूने की है ना, उसके बाद मैं तुझे जिंदा नहीं रहने दूंगा। केली मेरी तो छानी होने वाली है ना। अभी कराते अपन तेरी शादी। पप्पू तो बहुत पल रही है। दौलत के लिए लालच करने का नतीजा ऐसे लोगों का यही अंजाम होता है। आज यही दौलत इनके लिए कफन बन गई। मेरी आंखों पर भी दौलत का पर्दा पड़ा हुआ था, हट गया। प्यार ही सबसे बड़ी दौलत होती है। घर में से